व्हाट्सएप के स्वागत आप सभी का आफी के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपका जो एक्स पार्टनर जो आपको छोड़ के चला गया, आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर होने की सिचुएशन में है, आप सोच रहे हो कि वो वापस आ जाए या फिर उसको कैसे तड़पाए, उसको आपकी याद कैसे आएगी, हाउ टू मिस, किस तरीके से मिस कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा आपको जिससे वो आपको मिस करे या फिर आपकी याद उसका आए, और आपकी याद आएगी तो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि किस तरीके से आप उसको आपके बारे में, आपकी जो फीलिंग्स है उसके बारे में उसको मतलब बता सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि किस तरीके उसको वो जो मोमेंट्स आपके साथ वो याद आ सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाला। तो वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी सिचुएशन से गुजर है ना उन सबको पता चल पाए कि किस तरीके से इस सिचुएशन में क्या करना होता है। ठीक है, तो ब्रेकअप के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश में। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है कि आपके पार्टनर को कॉन्टैक्ट नहीं करना है। हर वीडियो में आपने सभी की वीडियोज़ में देखी होगी कॉन्टैक्ट नहीं करना, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। आप अगर कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, जो सामने वाला पर्सन है जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है यार कि आपको चीट किया है या फिर आपको धोखा दिया है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके कुछ झगड़ा हो चुका है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप रियलाइज करवा सकते हैं या फिर किस तरीके से आप तड़पा सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको उसको हर जगह से कॉन्टैक्ट लेस करना पड़ेगा, मतलब हर जगह से ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सॉरी गाइस थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है, ठीक है, वीडियो में तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन वीडियो में भी जो बातें बता रहा हूँ वो क्लियर सुनाई देगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है बाहर से, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं कि आपको हर जगह से उसको कॉन्टैक्ट में हटाना होगा। फिर आप सोचेंगे यार इस तरीके से तो भाग जाएगा, किसी और विंडो लो जाएगा, अरे अभी कहाँ से आपको पकड़ेगा, रखा अभी तो चला ही है ना। एक सिंपल चीज़ इस चीज जो मैं इसमें इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ना, इसे आप आसानी से मूव ऑन भी कर लेंगे और उसको आपकी वैल्यू भी समझ में आ जाएगी, वो किस तरीके से आप उसको तड़पा सकते हो, वो भी वो तड़प भी जाएगा आपके, उसको याद भी आ जाएगा आपकी। देखिए कोई भी इंसान हो, कितना भी पत्थर के लोग, आपने उसके साथ मोमेंट्स बिताए हैं ना तो याद आएगी। अभी ये जो वीडियो देख रहे हो जिनका एक महीने से रिलेशनशिप था, 15 दिन से था, फिर उन लोगों के लिए टिप्स नहीं वर्क, क्योंकि 15 दिन की कोई मोमेंट्स नहीं होती ना मेरे दोस्त, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए रिलेशनशिप को, तो समझ सकते हैं आपने कोई फिजिकल या फिर आप थोड़े अटैचमेंट, आप कभी मिले हो, घूमे हो, तो थोड़ी सी मोमेंट्स हो सकती है, तो आपको याद आ रही तो डेफिनेटली उसको भी आएगी, एकदम से थोड़ी मूव ऑन कर लेगा यार, उसको भी याद आएगी ना, तो आती है सबको। तो करना क्या है, पहली चीज़ जो उसको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, और सामने से हर जगह से उसको एक लास्ट मैसेज कर दो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ, अभी मैं हर जगह से आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, जो भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ठीक है, मेरी गलती थी, माफ़ कर दो, और आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला, ब्लॉक कर दो, इस तरीके से ब्लॉक कर देना व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और आपको टेक्स्ट कॉलिंग पे, हर जगह से। उसके बाद उसको आपकी हवा तक, हवा से भी आपकी बातें, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे, कहीं पे, कहीं से भी उसको लीक नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ के द्वारा आपकी बातें उसको नहीं पता चले। बहुत सारे लोग बोलते हैं हैप्पी रहो, उसको शो करो, नहीं दोस्त, ठीक है, वो चीज़ कोई दूसरी जगह काम आती है, उसका होता है लेकिन वो अलग मैटर है, ये जो मैं बता रहा हूँ तड़पाने के लिए उसके, क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास गाड़ी होगी, बाइक होगी, ठीक है, बाइक समझ में आता है, आप डेली यूज़ करते हो उसका, ठीक है, आप घर के काम के लिए यूज़ करते हैं, जॉब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको कोई कहीं जाना हो, इमरजेंसी, तुरंत बाइक निकाली, चाबी डाली, ठीक मार के चले गए। अगर बाइक चोरी होगी, भगवान कर ऐसा ना हो पर होगी, फिर जिस दिन चोरी होगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा यार आज तो मेरे को ऑटो में जाना पड़ रहा है, आज तो मुझे ऑटो में यहाँ पे जाना पड़ रहा है यार, ऑटो में कितना भाड़ा लगता है यार, कितना टाइम वेस्ट होता है, जॉब में मेरा टाइम बचाता था, यहाँ पे मेरा टाइम बचाता था, बाइक नहीं है तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको तब रियलाइज़ होगा, तब आपको पता चलता है कि यार बाइक की कितनी वैल्यू थी, मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं होती तब आपको उस चीज़ की वैल्यू होती है, वैसे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू होगी, आपकी आपके लिए तड़पेगा कब, जब आप उसके पास नहीं रहोगे, आप उसको नहीं दिखोगे, ठीक है। तो आपको हर जगह से उसको ब्लॉक कर देना है, फिर वो आए या ना आए वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन होगा जरूर, उसको जरूर तड़पेगा आपके लिए, ऐसे कैसे कोई नहीं भूल जाता, इतने सारे मोमेंट्स तुरंत, फिर वो अगर भूल जा रहा तो फिर समझ लेना कैरेक्टरलेस था, इतने तो सारे लड़कियां लड़के ऐसे नहीं होते, होते हैं 2-3% जिनकी वजह से पूरी दुनिया बदनाम हो चुकी है, ठीक है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, वो भी अटैच होगा आपके साथ, उसके भी कुछ पल होंगे इसीलिए वो आपके साथ जुड़ा था, कुछ होगा उसके अंदर, आपके अंदर तो ही आपके साथ था ना, तो होता है मेरे दोस्त, ठीक है, तो होगा उसको भी, वो भी तड़पेगी आपके लिए, वो भी आपको याद करेगा। सिर्फ मैंने बताया उसको नो कॉन्टैक्ट कर दो, हर जगह से ब्लॉक कर दो, फिर किसी के द्वारा उसको आपकी हवा ना, आपकी हवा के द्वारा भी उसको पता ना चले कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ठीक है, अपने आप को आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा, अपने आप आपके पास आने की कोशिश करेगा, एक दो बार आए तो अटैम्प्ट, मतलब अटैम्प्ट करो तो मत मानना,
तीन चार बार करे तो मान जाना, फिर आपको जो आगे करना कर सकते हैं, लेकिन 100% तड़पेगा जब आप उसके सामने नहीं दिखोगे। जब तक आप उसको दिखोगे आपको लग रहा है मैं हैप्पी शो करूँगा, उससे घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ आप देखते हो ना हैप्पी शो करने वाले, वो भी देखता है, ठीक है, याद रखो मेरे दोस्त। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा यूनिक जो उसको बताना हो, आपको ऐसा दिखाना कि सच्ची में उसको लगना चाहिए कि यार सच्ची में ये पर्सन मेरे से चला गया, सच्ची में मैंने इसको खो दिया। जब उसको खोने का डर आ जाएगा, नहीं यार ये अभी तो चला जाएगा, तब आपके पास आना जरूरी समझेगा। तो आपको जिससे वैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, बाइक की वैल्यू कब होती है, वैसे उसको आपकी वैल्यू होगी जब आप उसके पास नहीं रहोगे। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हमारे पास नहीं होता तब उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे मम्मी पापा होते डेली हमारे पास होते लेकिन हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो कई 10-15 दिन के लिए चले जाते या फिर हमेशा के लिए हमें छोड़ के जाते तो हमें कितनी वैल्यू होती, कितना रोते उनके लिए, काश मेरे पास होता तो ऐसे करती मम्मी पापा को, ऐसा वैसे उसको भी होगी, ठीक है। तो आपको उसको दिखना ही नहीं हर जगह से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, इंस्टा पर फॉलो कर लो, हरीश गोसावी करके सर्च कर सकते हैं, मेरी आईडी मिल जाएगी हरीश गोसावी, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।